आ जाओ जल्दी से, ये आया और आ गए देखो कहां का आ गया, ये कॉल आ गया, यहां से भी आ रहे हैं, देखिए ये भी आ गए, मोची से आते हैं, ये भी लड़ रहे हैं दोनों, ये उड़ते हुए भी लड़ते हैं, ये आ गए इस साइड पे, और ये नवाब की औलाद नहीं है यहां का, ये अलग खाएगा खाना, देखो ये आ गए बाकी। तो भाई ये मैंने ना आज अपने हैंड्स क्लीन किए हैं देखें सारे, और ये मैंने किए हैं लेमन और सोडा से, और साथ जो है चीनी भी यूज़ की है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक मेरे हैंड्स जो है वो क्लीन हो गए खाना बनाने की वजह से, जो है ना हाथ सारे यहाँ से ख़राब हो जाती हैं आपकी टोज ना, तो अभी इसको अच्छे तरीके से वॉश भी करूँगी, तो अभी तो मैं इसका रिज़ल्ट दिखाई थी, आप देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो ये खाने का सोडा और इसके साथ लेमन के ऊपर बस मैंने ये वाला खाने का सोडा डाल के अच्छे तरीके से स्क्रब किया अपने हाथ पैरों को, और फीट्स भी आप देखें, मेरे फीट्स भी मेरी चमक है, ये देखें फीट्स को भी मैंने जो है क्लीन किया ऐसी सोडे से। अच्छा यहाँ चिकन मटर का शोरबा जो है रेडी हो गया, चम्मच को भी करिए अंदर जाके, कह रहा मैं खुशी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चावल दम हो रहे हैं, मैंने मटर चावल बनाए, और मटर आपको पता है 500 रुपये केजी हैं इस वक्त, मटर इतना एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन खैर मटर खा भी लिया जाता है, तो मौसम का मटर आएगा तो शायद सस्ता हो जाए, अभी तो फ़िलहाल 500 केजी हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और शाम के कोई 5:30 बज रहे हैं, मैं जुहेब का वेट कर रही हूँ, जुहेब बनाया और अहमद के साथ गया हुआ है, कुछ सामान लाना था, वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा जाके ले आना, और मुझे आते आते भी लेट हो गया, प्लस आके आज जो है मैंने अपने नेल्स और अपने हैंड्स और फीट्स जो है उसकी सारी नेल्स जो है ट्रिम किए, ख़राब हुए हुए थे सारे खाने बना बना के ना, और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन किए, देखें मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने बना के इसको क्लीन किया है, एंड प्लस मैंने अपनी स्किन को भी क्लीन किया है, क्योंकि अभी वेदर ऐसा है ना कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो उसको फिर मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है अपने हैंड्स फीट्स को ना। पेट में हमारे चूहे दौड़ रहे हैं, यकीन करें मैं और जैन हैं अभी घर पर, और जुहेब आ गया है नीचे, तो बस वो आएगा तो हम खाना लगाएँगे, तो मैंने आके खाना बनाया है मटर और चिकन का शोरबा, और साथ मैंने बनाए हैं मटर चावल, तो बस नाया और अहमद आते हैं जब ऊपर तो हम खाते हैं खाना, और ये गुस्से में बैठा हुआ है क्योंकि मैं आई हूँ और मैंने अब तक खाना नहीं डाला है, तो मैं इनको खाना डाल दूँ और उसके बाद खाना लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ और फिर मिलती हूँ। नाया और अहमद आ गए, ये रहे, और यहाँ पे रखे हुए सारे आयरन हुए हुए कपड़े, ये मुझे अभी अंदर रखने कबर्ड में, तो पहले खाना खाएँगे, बहुत भूख लगी है। और मेरे हैंड्स चेक करें, देखें बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, और मैंने नेल्स भी बिल्कुल ट्रिम कर दिए हैं ताकि फिर नई ग्रोथ हो, तो अभी इनको जो है मैं फिर थोड़ा सा कुछ और भी करूँगी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। आ गया अहमद और जैन भी आ गया, और अनाया भी आ गई है, मेरे भी आ गया, अनाया कहाँ है, बेटी ने क्या लिया, खाओ ना, वाह ये तो बहुत अच्छे बबल्स हैं, मैं भी अनाया की रील बनाऊंगी इसके साथ, वाह मेरा ऑर्डर आया नहीं। ये सारा सामान है जो हम खाने के बाद रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत भूख, और तुम लोगों को भी लग रही है या नहीं लग रही, मुझे तो चाय पी, चलो जल्दी करो कराओ, ये जूस यहाँ, क्या कह रहे हो, जूते यहाँ रखो, और ये शर्ट इतनी खुली हुई क्यों है तुम्हारी, आगे से ओ हो, अच्छा पागल नहीं बनाना ज्यादा, चलो अनाया, अनाया क्या निकाल रही हो तुम, ये अपनी चीजें निकाल रही हो, कितनी चीजें लाई हो, दिखाओ ना मुझे, लो भाई आओ, अकल गुची मेला गुची कुची, क्या अकल है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहे हो, खा लो, गाजर रखी हुई है, धनिया रखा हुआ है, काम ना धंधा कुछ नहीं है। हाँ भाई यहाँ पे क्या सेल कर रही हो ना, ये सारी चीज़ें, ये कितने, ये तो मैंने हमें दे दी, ये तो 10 रुपए की है, हाँ। ये 20 रुपए की है, हाँ। और ये तो 80 की है, अरे तुम प्राइस भी देखा करो सही,
क्या कर रही हूँ मैं? चटनी किसी यार रायता बना रही हूँ, तो लहसुन और हरी मिर्चें। लहसुन रायते के लिए बना रही चावल के? ये पता है कितने साल पुराने? 23 years। हाँ मैंने देखा भाई, काफी टाइम से बराबर है ना, मेरे तुम्हारे बराबर है। तो मेरा पहले घर का लिया हुआ है। कर रही हैं आप? बबल्स बना रही हैं? हाँ हाँ, दिखाओ बबल्स। अस्सलाम वालेकुम किया? ये तो आपको अच्छे लगते हैं बबल्स? हाँ। चलो मैं ऑर्डर कर दूंगी आपके लिए बबल्स ना। अनाया ने शॉप बनाई दी अपनी, सारी अपनी चीजें जो लेकर आई है। अनाया क्या क्या है आपके पास? मेरे पास बहुत सारी चीजें, तुम कुछ भी ले सकते हो। अच्छा मैं क्या लूँ आप बताएं, आप क्या दे सकती हैं मुझे? ये कितने की है? कौन सी? ये मैंने ले सकते हो क्या? हाँ मैं बिल्कुल ले सकती हूँ। कितने की मामी ये? 1000 रुपए है। 1000 रुपए की ये? इतनी सी? अल्लाह ये तो बहुत महंगी दे रही हैं आप। तो क्या हुआ, मैं महंगी दे रही? थोड़ी सी कम कर लेना। चले ठीक है ठीक है, थैंक यू। क्या खा रही हो अनाया? अपनी चीज लेकर आई है और तुम्हारी भी चीज ले ली, उसकी भी ले ली। मम्मा मेरे शूज आ गए। अल्लाह शूज आ गए, इनके शूज आ गए और इसने अपनी जिद फाइनली पूरी कर ली है। और खोलो शूज। वही वाले मम्मा जो चाहिए थे, एयरफोर्स वन वाइट में। ये मेरे खराब हो गए थे ना, ये वाले अच्छे हैं बहुत। हैं तो अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं भाई, वेरी नाइस। दिखाओ बहुत अच्छे हैं, पैसे भी बहुत अच्छे। हाँ भाई खुश हो गए पैसे खर्च करके? नहीं बुलवा के 6000 के जूते लिए इसने, 6000 के मेरे शूट के लिए हैं। मैं तो 2000 की भी ला लूँ इसमें, इतने अच्छे तो हैं मेरे साइज के। तो भाई हम शाम की पी रहे हैं चाय, शाम की क्या, अब तो रात की ही हो गई है। साथ मेरे जोहेब पी रहा है, जैन जो है वो भी आ रहा है और साथ हैं समोसे पेटीज और चिकन स्टिक। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं? तो अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से सामान लेने, क्योंकि रात का तो हम मतलब थोड़ा सा हमने मिस कर दिया। जस्ट यू नो वॉट इज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी ज़्यादा सामान लाए थे, उसके बाद पे ये ना छोटे मोटे सामान नहीं आए, तो बचा चल रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। मैंने ड्राई गोश्त मंगाया है लहसुन का, और ये है निहारी मसाला जो हम कल मंगाएंगे, और साथ में सूजी भी मंगाई है मम्मा ने, और मम्मा ने साथ में ना ये सूजी मंगाई है, तो ये भी ले लेता हूँ मैं। सामान मैंने ले लिया थोड़ा सा सामान था, बस मैं आया हूँ रोटी लेने। तो यहाँ पे कल नमाज थी, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको दिखाऊँगा उनमें से। कल जुम्मे की नमाज़ थी तो यहाँ पे टेंट लगती है, तो मैं दिखाऊँगा इन शाला। क्या बना रही है? सूजी का हलवा। वो जो आपने उस दिन बनाया था? नहीं ये जमा हुआ है। नहीं वो ये अलग है, वो वाला अलग था। हाँ ये अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा था, ये इससे भी अच्छा है। तुम अभी खा के देखो। ठीक है, ये गोलू का बच्चा घर आ गया और इसने सारी कैंडीज निकाल ली है और उससे पहले इसने सारी की सारी खा ली है, और ये बच्चा अभी भी सब कुछ खाया जा रहा है घर का। गोलू का बच्चा यार, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा। और भाई तुमको क्या हो गया, ये कैसे बाल बने हुए? सुबह तो हमारे बाल इतने प्यारे हो रहे थे, इतनी सारी चीजें बच्चों ने पी दूँ। गाइस हलवा बन चुका है, बहुत अच्छा बनाया मैंने और मम्मा ने बनाया है, और ऊपर से हमें डेकोरेट किया इसको, और अभी मम्मा इसको कट कर रही कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये कटेगा नहीं, मम्मा बोल रही है।
हाँ जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और किचन का काम निपटा कर मैं ज़रा सा हवा खाने जा रही हूँ नीचे। और लाइफ यकीन करें इतनी बिजी है कि मुझे हैरत होती है कि कौन लोग हैं जिनके पास इतना वक्त है कि वो दूसरों के लिए या दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस करें और उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि दूसरे कोई बच्चे हैं तो हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, हर बंदा अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारता है। किसी का सब्सक्राइबर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले की लाइफ को उसके हिसाब से या अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ देखा है लोगों को, और मेरे ख्याल में कोई पैथेटिक ही किस्म के लोग होते हैं। ऑफकोर्स जो जिसको फॉलो करता है उसकी मैंटेलिटी वैसी ही होती है। तो मतलब इतनी इंटरफेरेंस एक जो है ब्लॉगर के लिए, उसकी लाइफ के अंदर आपकी इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है कि आप लोग डिसाइड करते हैं कि अगले ने क्या करना है या नहीं करना। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज ना, क्योंकि हर बंदे की अपनी ज़बान है और अपना एक लाइफस्टाइल है, उसको जो बेहतर लगता है ज़िंदगी में वो कर सकता है। और कोई ये नहीं कि वो कोई बच्चा है, हर बंदा अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकता है। आजकल का तो दौर ऐसा है कि सगे जो बहन भाई होते हैं ना, वो भी नहीं पूछते, ना किसी के पास इतना वक्त है। तो ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है उसमें कोई भी बग़ैर मतलब किसी से नहीं मिलता। हर बंदा जो मिलता है ऑफकोर्स उसके मिलने के पीछे रीज़न होता है आपसे। इसीलिए मैं लोगों से मिलने से भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आप जितना लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो आप खिचड़ी पक जाती है। तो बस मैं कहती हूँ मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। तो एटलीस्ट जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, वो उनके होने का कोई ये नहीं है कि उनके वो किसी लालच के तहत मेरी ज़िंदगी में ना रहे, और ना मैं कभी किसी की ज़िंदगी में लालच के तहत रही। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं कि जो मेरे आसपास हैं और जो एक स्ट्रेंथ होती हैं। क्योंकि देखें, मैंने तो अपनी ज़िंदगी का समझ लें एक बहुत बड़ा हिस्सा रिश्तेदारियों को निभाते निभाते गुजार दिया, और बदले में मुझे जो कुछ मिला वो मुझे पता है, मैं जानती हूँ। तो अल्लाह ताला जो है सबको महफूज रखे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है आप किसी को अपना दिल भी निकाल के दे देना, तब भी लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर वो आपको जो है, अगर आप उनकी नज़र पे गलत हैं तो गलत है, नो मैटर आप दूध के धुले हों, आप फरिश्ते हों, वट एवर। तो फरिश्ता तो खैर कोई भी नहीं है यहाँ पे, हर इंसान ही है, सभी इंसान है, और हर इंसान जो है उसमें अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगा तो ऐसा नहीं होता। हर बंदा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कुछ लोगों में कम होती हैं बुराइयाँ, कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं। या तो मैं किचन के अंदर से निकल कर आई हूँ तो उस वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, और किचन में तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है भाई, गर्मी में तो मेरा हाल बुरा होता है। तो अहमद ने अपने शूज़ मंगा लिए हैं और ताल्लुकात सही हो गए हैं और शूज़ भी बहुत अच्छे हैं। बस मुझे ये था कि आपको पता है स्कैम इतना ज़्यादा है हर तरफ कि आपको देखना पड़ता है हर चीज़ के आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर करो, कल को जो है वो आपके, मैं क्योंकि मेरे साथ काफ़ी टाइम हुआ है कि मैंने कुछ मंगवाया और बदले में कुछ आया है ना, तो उतने ज़्यादा स्कैम है। इसीलिए मैं उससे कह रही थी कि पहले चेक कर लेना, उसके बाद पेमेंट करना। अब दोनों बड़े भाई जो है वो जो है मुझे सुना रहे हैं कि आप जो है इसको आपने इतने एक्सपेंसिव शूज़ दिलाए, और बड़े मसले हैं भाई बच्चों को संभालना, इट्स नॉट ईजी बच्चों को संभालना, उनको उनका ख्याल रखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन ये कि बस बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से उनको अपना बेस्ट दूँ। बड़ी जान लगानी पड़ती है बच्चों को पालने के लिए। मुझे एक एक रात याद है जिस तरह मैंने जो है जब छोटे छोटे थे बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में नहीं भी पता थी, फिर देवरानियाँ जिठानियाँ आसपास जो भी फैमिली कज़न सब से पूछ पाछ के ज़िंदगी ऐसे गुजरती गई। माशाल्लाह इतना टाइम गुजर गया। तो बच्चे छोटे भी थे तो मेरा यही हाल था, और अब भी समटाइम्स तो अहमद मुझसे कुछ पे गुस्सा होता है कि आप इनको कुछ करने क्यों नहीं देती, आप चार्जर भी इनका जो है, फ़ोन भी इनका आप लगाती हैं चार्जिंग पे,
तो आप इनको थोड़ा इंडिपेंडेंट होने दें, तो वो मुझसे लड़ता है, नाराज़ होता है इस चीज़ पे ना, कि मैं जो है थोड़ा सा ये है कि मैं बच्चों को पैम्पर इस तरह नहीं करती, लेकिन ये कि हर तरह से उनका मैं ख्याल रखती हूँ। और जब कोविड 2020 के अंदर आया था तो मैं उसी वक्त शिफ्ट हुई थी दुबई से यहाँ पे पैरिया, तो उस वक्त ना सर्वेंट्स अलाउ नहीं थे, अंदर कोई मेड नहीं आ सकती थी, तो पूरा विला जो है वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने मिलकर जो है पूरा उसको, उसके गार्डन को सेट किया। और मतलब कब सहरी बनती थी, कब अफ्तारी बनती थी, प्लस मैं रात को 3-3, 4-4 बजे कपड़े वॉश करती थी, बहुत कुछ होता था, पूरा गार्डन था मेरे पास, तो उसको भी पूरा लुक आफ्टर किया था, क्योंकि कोई भी माली वगैरह अंदर नहीं आ सकता था, तो सारा गार्डन ऊपर से नीचे तक, मतलब 2 साल तक आप समझ लें अंदर कोई मेड्स वगैरह अलाउ नहीं थी जब कोविड आया था, तो बड़ा टफ था वो बच्चों को, घर को पूरे संभालना और सारी चीज़ें करना, लेकिन बहरहाल गुजर गया वक्त, और वक्त तो गुजर ही जाता है आपको पता है कि। और वैसे भी जब आप बाहर रहकर आते हैं ना तो आपको खुद काम करने की आदत होती है, इसलिए आपको ना जैसे यहाँ पे लोगों को आदतें हैं नौकरों की, तो बाहर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, आपने सब कुछ खुद ही करना है। चलें जी, मैं भी थक गई हूँ, बस अब खाना खाएंगे, खाना बन चुका है, और बस शावर लूँगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे जल्द मिलेंगे। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।